Hello students, in this lecture we are going to discuss binomial system of nomenclature जिसको हम biological name या scientific name या botanical name plant के केस में या zoological name animals के केस में consider करते हैं। binomial system of nomenclature का जो rule regulation है वो कौन frame करता है, कौन design करता है, कौन govern करता है इसको, तो ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमिक्लेचर प्लांट्स के केस में, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमिक्लेचर एनिमल्स के केस में। क्लियर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमिक्लेचर को एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट ने प्रपोज किया था जिनका पूरा नाम था क्या, कार्ल वॉन लिन, दैट इज कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को हम क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नॉमिक्लेचर सिस्टम, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। क्लियर। देखिए बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमिक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, तो हम जानते हैं कि कोई भी प्लांट है या एनिमल है उसका जो नाम है प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेरी करता है। ये जो लोकल नेम है ये डाउट्स क्रिएट करते, कंफ्यूजन क्रिएट करते लोगों के बीच में कि कोई पर्टिकुलर, किस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में या एनिमल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्लियर नहीं हो पाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले तो टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम सेंसिटिव प्लांट भी बोलते हैं इंग्लिश में, और जिसका साइंटिफिक नेम है क्या, मिमोसा पुडिका। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, हम छुई मुई। मराठी में क्या बोलते हैं इसको, हम लाजाड़ू। बंगाली में बोलते हैं इसको हम लाजवती लता। गुजराती में बोलते हैं हम क्या, लाजवंती। कर्नाटका में क्या बोलते हैं हम इसको, मुट्टी दरी मुनी। मलयालम में बोलते हैं इसको हम थोट्टा वड़ी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है एक ही प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, तो इससे क्या हो रहा है लोगों के बीच में डाउट्स आ रहे हैं, कंफ्यूजन आ रहे हैं कि वो किस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, दूर करने के लिए बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमिक्लेचर दैट इज साइंटिफिक नेम बनाया गया। क्लियर। इससे क्या होगा कि जो स्टडी है प्लांट का एनिमल का और भी कन्वीनियंट हो जाएगा और भी सुविधाजनक हो जाएगा। दैट्स वाई बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमिक्लेचर वॉज प्रपोज्ड बाई कैरोलस लिनियस। अब हम लोग देखेंगे कि रूल्स क्या है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमिक्लेचर के लिए। तो पहला रूल है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू वर्ड्स नेम। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका नेम में क्या रहेगा, दो वर्ड्स रहेंगे, दो वर्ड्स। क्लियर। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं फ्रॉग को क्या बोलते हैं, रोना टिग्रिना। ह्यूमन को क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस। पिजन को क्या बोलते हैं, कोलंबो लिबिया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है, टीबी का बैक्टीरिया। साल्मोनेला टाइफी है, टाइफाइड का बैक्टीरिया। तो ओरिजा सटाइवा है, दैट इज राइस है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि जितने भी प्लांट है या एनिमल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबके नाम में क्या है, दो वर्ड्स है। क्लियर। तो पहला रूल है इसमें कि ईच ऑर्गेनिज्म हैव टू वर्ड्स नेम। क्लियर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पैंथेरा टाइग्रिस, किसका साइंटिफिक नेम है, टाइगर का। तो इसमें भी दो वर्ड्स हैं, पैंथेरा और टाइग्रिस। सेकंड रूल क्या है, फर्स्ट वर्ड ऑफ नेम इज जेनेरिक नेम, दैट इज नेम ऑफ द जीनस, एंड सेकंड वर्ड ऑफ द नेम इज स्पेसिफिक नेम, दैट इज द नेम ऑफ स्पीसीज। जो पहला वर्ड रहेगा नेम का वो जीनस का नेम है, जेनेरिक नेम, और जो दूसरा वर्ड है वो स्पेसिफिक नेम है, मतलब स्पीसीज का नेम है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पैंथेरा टाइग्रिस में पैंथेरा क्या है, जीनस है, जेनेरिक नेम है, और टाइग्रिस क्या है, स्पेसिफिक नेम है, स्पीसीज नेम है। क्लियर। तीसरा क्या है इसमें कि फर्स्ट जेनेरिक नेम देन स्पीसीज नेम। इसमें हम पहले जेनेरिक नेम को लिखते हैं फिर उसके बाद स्पीसीज नेम को लिखते हैं। क्लियर। फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, ठीक है, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज नेम इन स्मॉल लेटर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
कि जो पहला लेटर है जीनस का वो क्या है, कैपिटल से स्टार्ट है, और पहला जो लेटर है स्पीसीज नेम का वो स्मॉल लेटर से लोअर केस से स्टार्ट है। नेक्स्ट क्या है, जो बाइनोमियल नेम्स हैं, बाइनोमियल नेम्स आर फ्रॉम लैटिन ओरिजिन, ये जो वर्ड्स हैं वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, क्लियर, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है, नॉन फंक्शनल लैंग्वेज है, इस समय उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या होगा कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं आएगा, ये एज इट इज बना रहेगा। तो इसीलिए जो है कि जो भी वर्ड्स लिए जा रहे हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में वो लैटिन ओरिजिन के हैं, क्लियर। व्हेन टाइप्ड एंड प्रिंट, जब हम इसको टाइप करते हैं प्रिंट करेंगे तो ये किस में रहेगा, इटैलिक्स में, मस्ट बी इन इटैलिक्स। व्हेन हैंड रिटन अंडरलाइन सेपरेटली, और जब हम हाथ से लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे सेपरेटली। यहां पे देख रहे हैं हमने क्या किया, पैंथेरा को और टाइग्रिस को अंडरलाइन कर दिया है सेपरेटली। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेम्स मींस जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज नेम डू नॉट हैव लेस देन 3 letters एंड मोर देन 13 letters। जो जेनेरिक नेम है और स्पीसीज नेम है इनमें 3 letters से कम नहीं होने चाहिए, नॉट लेस देन 3 letters, और मोर देन 13 letter से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, मतलब 3 letter से कम और 13 letter से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि नेम ऑफ द आर्थर या डिस्कवरर आल्सो अपीयर इन ब्रीफ आफ्टर स्पीसीज नेम। इसमें क्या होता है कि जिस किसी पर्सन ने इसको किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को डिस्क्राइब किया है या डिस्कवर किया है या इसका सबसे पहले नाम प्रपोज किया, तो उसका नाम हम एब्रीविएट में ब्रीफ में लिखते हैं, कहां पे, स्पीसीज के नेम के बाद में, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने लिखा है क्या, मैंगीफेरा इंडिका, ये क्या है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है, और लिन लिखा है, मतलब इस स्पीसीज को सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने डिस्क्राइब किया, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, मैंगीफेरा इंडिका लिन। सेम अवे होमोसैपियंस लिन, होमोसैपियंस वर्ड भी किसने दिया, दैट इज कैरोलस लिनियस ने दिया, तो होमोसैपियंस लिन लिखा हुआ है। तो नेम ऑफ द आर्थर या डिस्कवरर हम क्या करते हैं, ब्रीफ में लिखते हैं आफ्टर द नेम ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइनोमियल नॉमनक्लेचर। ट्राइनोमियल नॉमनक्लेचर क्या है, तो ट्राइनोमियल नॉमनक्लेचर में क्या होता है, 3 words name, ईच ऑर्गेनिज्म का जो नेम है उसमें 3 words होते हैं, कितने वर्ड्स, 3 words होते हैं। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग, पहला जो वर्ड्स है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, और जो थर्ड वर्ड्स है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, सब स्पीसीज को, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के लिए देख सकते हैं होमो सैपियंस सैपियंस, इसमें होमो क्या है, जीनस, सैपियंस क्या है, स्पीसीज, एंड फिर से सैपियंस क्या है, सब स्पीसीज है। तो ये क्या है, ट्राइनोमियल नेम है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सैपियंस सैपियंस मतलब स्पीसीज और सब स्पीसीज ह्यूमन के केस में क्या है, एक ही वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, तो यहाँ पे जीनस स्पीसीज सब स्पीसीज तीनों वर्ड एक ही है, क्लियर, ध्यान रखिए यहाँ पे। तो ये क्या है, ट्राइनोमियल नेम है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टाटोनिम्स क्या होता है। व्हेन द जीनस एंड स्पीसीज नेम्स आर सेम, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस नेम और स्पीसीज नेम एक ही रहेगा तो ऐसे नेम को क्या बोलते हैं, हम टाटोनिम्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं वल्पीज, वल्पीज किसका, रेड फॉक्स का है, तो दोनों जीनस का नेम और स्पीसीज का नेम क्या है, एक ही है। मूस में एलसीज एलसीज है, यहाँ पे भी जीनस और स्पीसीज नेम क्या है, एक ही है। ब्लैक रेड जिसको हम हाउस रेड बोलते हैं, इसमें रैटस रैटस है, जीनस नेम स्पीसीज नेम सेम है। तो जब जीनस नेम और स्पीसीज नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक जैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो ऐसे नेम को क्या बोलेंगे, हम टाटोनिम्स बोलते हैं, क्लियर। टाटोनिम्स जो है वो एनिमल के केस में एक्सेप्टेड है, प्लांट के केस में एक्सेप्टेड नहीं है, क्लियर। अब देखिए यहां पे कि अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के ढेर सारे नाम प्रपोज किए गए बाय मेनी टैक्सोनॉमिस्ट या बायोलॉजिस्ट, तो जो नाम ओल्डेस्ट होगा और
वैलिड होगा उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा. क्लियर. इन केस ऑफ मेनी नेम्स फ्रॉम अ सिंगल ऑर्गेनिज्म तो उसमें जो ओल्डेस्ट है और जो वैलिड है उसी को क्या करेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं यहां पे हम कि टू नो टू जेनरिक नेम इन एनी किंगडम कैन बी सेम. किसी भी किंगडम में दो जेनरिक नेम एक जैसे नहीं हो सकते. किसी भी किंगडम में दो जेनरिक नेम एक जैसे नहीं हो सकते, सिमिलर नहीं हो सकते. बट द स्पीसीज नेम कैन बी सेम व्हेन द जीनस नेम इज डिफरेंट. लेकिन स्पीसीज नेम क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है. कब, जब उनका जीनस डिफरेंट हो, जेनरिक नेम डिफरेंट हो. तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं मैंगो और नीम दोनों एक ही किंगडम से हैं, किंगडम प्लांटिस है. तो यहां पे जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मैंगीफेरा इंडिका. और नीम का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एजार्डी रेक्टा इंडिका, एजार्डी रेक्टा इंडिका. तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इंडिका इंडिका यहाँ पे क्या है, कॉमन नेम है. स्पीशीज नेम क्या है, कॉमन है, लेकिन जीनस नेम क्या है, अलग अलग है. क्लियर. तो स्पीशीज नेम एक हो सकता है कब, जब जीनस नेम अलग अलग हो. क्लियर, ये भी जान लीजिए. सो दिस इज द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमिक्लेचर.